वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए विश्वरत्न दलितों शोषितों पीड़ितों गरीबों के मसीहा परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर के चरणों में बार बार वंदन करते हुए आज के इस सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए आदर और सम्मान के योग्य दिल्ली प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के मंत्री हमारे भाई भाई गौतम साहब, आदरणीय हमारी बहन निगम पार्षद जी डॉक्टर सीपी सिंह जी और विशेषकर जितने हमारे डॉक्टर अम्बेडकर प्रकाश उत्सव के हमारे पदाधिकारी हमारे जिम्मेदार साथी, और सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि इस मौके पर न केवल एक समाज के लोग बल्कि सभी समाज के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। साथियों, जब इस मंच पर रामलीला होती थी तो भाई जोगेंद्र जी, भाई बेद जी और तमाम साथी हम पीछे बैठते थे। जब ये स्टेडियम बना नहीं था तो हमारे मन में इच्छा होती थी कि भाई इस मंच पर राम की लीला हो सकती है तो भीम की लीला क्यों नहीं हो सकती है। तो मेरे तमाम साथियों ने मेरी बात को माना, सबका सामूहिक बहुत जिम्मेदारी से साथ उन्होंने अपना काम किया और आज आपके सामने आज की शाम बाबा के नाम आपके सामने दिखाई दे रही है। साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने काफी मूवमेंट के बारे में बताया है, मैं भी आपके सामने एक बात बताना चाहता हूं। कोई राजनीतिक चर्चा हम लोग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि सोशल मंच है, सामाजिक मंच है। मैं इस बहुजन समाज पार्टी का आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक का मैं प्रभारी हूं और आंध्रा से ट्रेन चल के आती हैदराबाद से और दिल्ली तक आती है, उसका नाम है एपी एक्सप्रेस। वो एपी एक्सप्रेस हैदराबाद से चलकर दिल्ली तक लगभग 24 से लेकर 26 घंटा लेती है और 24 से लेकर 26 घंटा तक ट्रेन के कंपार्टमेंट कोई आराम से नहीं बैठता है, कुछ ना कुछ डिस्कशन होता है, कुछ ना कुछ चर्चा होती है। ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक सब्जेक्ट आया, एक विषय आया। क्या विषय आया? भाई हमारा भगवान कौन। ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक सब्जेक्ट आया, भाई हमारा भगवान कौन। तो किसी ने बताया भाई हमारा भगवान जय साई राम बनते सारे काम। बहुत अच्छी बात है भाई, सबके भगवान होते हैं। कोई कहने लगा रामचंद्र जी महाराज की जय हो, कोई कहने लगा हनुमान जी की जय हो, कोई कहने लगा जय संतोषी माता की जय हो। सभी ने अपने अपने भगवानों के बारे में बताया। तो सब साथी जो कंपार्टमेंट में बैठे थे, मैं भी बैठा था सेकंड एसी में, मुझसे कहा भाई साहब आप भी बताइए आपका भगवान कौन है, आपका भगवान कैसा है। मैंने कहा छोड़ो यार, सारे यही भगवान है। कि नहीं, आपको बताना पड़ेगा आपका भगवान कौन है। मैंने कहा मेरा जो भगवान है आपके भगवान से थोड़ा अलग हटकर है, मेरा भगवान आपके भगवान से थोड़ा अलग हटकर है। तो सब लोग कहने लगे भाई आपका भगवान कैसे हटकर है। मैंने कि मेरा जो भगवान है वो एकदम स्मार्ट क्लीन से कोट पैंट टाई बढ़िया चश्मा बढ़िया जूते, वो मेरा भगवान। कह भाई कोट पैंट टाई वाला कौन सा भगवान, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो मेरा भगवान है। साथ ही मैं दावे के साथ कह सकता हूं वह व्यक्ति पैदा नहीं होता तो आपको वोट का अधिकार नहीं मिलता। मैं सच बता रहा हूं, ये वोट का अधिकार किसी और का देन नहीं है, ये वोट का अधिकार है तो परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है और किसी के देन नहीं। जब 1932 में मंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूं, 1932 में जब परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए, अंग्रेजों ने गांधी से पूछा, गांधी जी ये बताइए भारत में वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए। गांधी जी बताइए
भारत में वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए? गांधी ने पता क्या कहा? गांधी ने कहा भारत में वोट का अधिकार उसको मिलना चाहिए जो ग्रेजुएट होता है, जो बीएससी बीकॉम पास होगा उसको अधिकार मिलना चाहिए। गांधी ने कहा अंग्रेजों से वोट का अधिकार उसको मिलना चाहिए जिसके पास 1000 एकड़ जमीन होगी, और गांधी ने कहा वोट का अधिकार उसको मिलना चाहिए जो टैक्स देता है। तब परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने दलित समाज के भोले वाले समाज की तरफ देखा। उस समय ना तो कोई ग्रेजुएट था, ना कोई टैक्स दे सकता था, ना किसी के पास जमीन थी। तो परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों से कहा, हे अंग्रेजों, आप तो भारत से चले जाएंगे लेकिन हम तो यहाँ गुलाम के गुलाम बने रहेंगे। अंग्रेजों ने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर आप क्या चाहते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मैं चाहता हूँ इस भारत की जमीन पर चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी कोई भी हो, जिसकी एज 21 ईयर्स है, 21 साल है, उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तो बाबा साहब की बात को मानकर आप लोगों को वोट का अधिकार मिला, ये बाबा साहब की देन है, किसी गांधी की देन नहीं। लेकिन बाबा साहब ने एक बात और कही, बाबा साहब ने कहा जो लोग अपने वोट को बेचेंगे अपनी बहन बेटी को बेचेंगे। ये बाबा साहब ने कहा, क्या कहा? जो लोग अपने वोट को बेचेंगे अपनी बहन बेटी को बेचेंगे। लेकिन दुख की बात है 70 साल की आजादी के बाद भी परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हम लोगों को वोट का अधिकार दिया है उस वोट की कीमत को साथियों समझ नहीं पाए और दुश्मन को इस देश का राजा बनाते रहे। यही कारण है आज हम लोग दलित समाज के नाम से पुकारे जाते हैं। यही कारण है आज हमारे पास उद्योग नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, और साथ साथ हमारा विरोधी क्या कहता है, भारत के संविधान को बदल के दिखाएंगे। परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन रात और दिन एक करके भारत के संविधान को लिखने का काम किया, और हमारा दुश्मन क्या कहता है, इस भारत के संविधान को बदलना चाहेंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये भीम के सिपाही हैं, ये बुद्ध के सिपाही हैं, हम उनको बताना चाहते हैं हम किसी को पहले से छेड़ते नहीं हैं, हम किसी को पहले से छेड़ते नहीं हैं, और कोई हमको पहले छेड़ेगा तो छोड़ते नहीं है, युद्ध के मैदान में भी तैयार। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यदि बाबा साहब को भगवान मानते हैं, बाबा साहब को मसीहा मानते हैं, तो बाबा की बात को मानना पड़ेगा। और बाबा ने क्या कहा, वोट की ताकत के माध्यम से इस देश के आप राजा बन जाओ। लेकिन हमने क्या किया, अपने वोट की ताकत से दूसरों को राजा बनाने का काम किया। हम लोग कभी राजा नहीं बने। अंत में साथियों, ज्यादा ना समय लेते हुए, क्योंकि हमारी बहन तरुण जी बैठी हैं, हमारे दूसरे अहमंत भाई भी बैठे हैं, बीच में जब नेता आ जाता है तो कार्यक्रम में व्यवधान होता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 127वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में ज्वालानगर, मुकेश नगर, साजा, दिल्ली के तमाम कोने से जो लोग भी आए, बाबा साहब की 127वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामना। ये हमारा मेला है, ये हमारा मेला है, इस मेले में आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। विशेषकर जितने टीम के लोग हैं, ये टीम के लोगों को बार बार साधुवाद, धन्यवाद, जय भीम, जय भारत, नव बोधाए। पुनः इससे ज्यादा बढ़िया कार्यक्रम अगली साल इसी मंच पर होगा। धन्यवाद, जय भीम, नव बोधाए।